दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। चित्रकूट में दो शिक्षिकाएं एक कुर्सी के लिए बच्चों के सामने ही लड़ पड़ी। उनकी लड़ाई इस तरह की थी कि वह इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गई और लोग इसे लेकर मीम्स भी बनाने लगे हैं। यह पूरा मामला चकैद कंपोजिट विद्यालय का है। यहाँ पर प्रधानाध्यापिका पूजा गुप्ता और सहायक अध्यापिका प्रियंका शुक्ला के बीच कुर्सी को लेकर तनातनी हो गई। एक शिक्षिका ने तो बाकायदा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया। एक छात्रा को पकड़ कर ले आई और कहा, तुम बताओ कि मैं कुर्सी में बैठकर पढ़ाती हूँ कि नहीं। वही झगड़े के दौरान पूरे बच्चे क्लासरूम में हंसते रहे और अपनी टीचरों की इस लड़ाई का लुफ्त भी उठाते रहे। पंचायत सदस्य मनोज पांडे ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि इन अध्यापिकाओं का अक्सर झगड़ा होता ही रहता है। वहीं इनके झगड़े की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापिका पूजा गुप्ता अपने पति को लेकर विद्यालय आती है, जो दिन भर वहीं रहता है। प्रधानाध्यापिका ने पति को विद्यालय में एक कमरा भी दे रखा है। पंचायत सदस्य ने प्रधानाध्यापिका के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्यालय के सारे काम यहाँ के बच्चों से प्रधानाध्यापक द्वारा कराए जाते हैं। प्रधानाध्यापिका और सहायक अध्यापिका के बीच कुर्सी को लेकर विवाद हुआ। प्रधानाध्यापिका कह रही थी कि कुर्सी में बैठकर पठन पाठन का कार्य नहीं होगा, तो वहीं सहायक अध्यापिका प्रियंका शुक्ला ने कहा कि अगर तुम कुर्सी पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही होगी तो मैं भी कुर्सी पर बैठकर पढ़ाऊंगी, जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ाऊंगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने प्रधानाध्यापिका के ऊपर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अनुदेशक अनिल कुमार के नवीनीकरण के लिए 16 अप्रैल 2022 को प्रधानाध्यापक ने पत्र लिखा था, जिसमें उसका आचरण और कार्य व्यवहार बहुत खराब बताया गया था। अनुदेशक से 20,000 प्रधानाध्यापिका लेकर दूसरा पत्र 18 अप्रैल 2022 को लिखा, जिसमें उसका कार्य व्यवहार उच्च कोटि का बताया गया है। वह इस मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य ने जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है। तो हम प्रार्थना विद्यालय के सामने कर रहे हैं। आप प्रार्थना कहाँ होगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे तो आप भी क्यों करती, कुछ काम नहीं करती, सहयोग नहीं करती। डिसाइड नहीं करना, शिक्षा का